दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है। दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात से सनसनी फैली है। लालसोट के बिलोना कला गांव का एक पूरा मामला है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा में लूट हुई है। तीन हथियारबंद लुटेरे बैंक पहुंचे, फायरिंग के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। शाखा प्रबंधक पर तानी बंदूक, बैंक में मौजूद करीब 8 लाख की नकदी लूट कर ये फरार हुए हैं। बदमाश मौके पर पहुंची मंडावली थाना पुलिस, मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी है। आपको दृश्य भी दिखा रहे हैं दौसा के लालसोट से ये पूरी खबर। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट की घटना हुई है। हथियार बंद ये बदमाश आए और फिर बैंक कर्मियों पर बंदूकें तानी और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए बड़ा मामला है क्योंकि बदमाश हथियारबंद इस बैंक में जा घुसे, ऐसे में दहशत का माहौल भी वहां पैदा हो गया। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सुरेश बिहारी लालसोट दौसा से जुड़ गए हैं। सुरेश, देखिए जानकारी सामने आ रही है बैंक में लूटपाट की घटना हुई है, कब का ये पूरा मामला और कितने बदमाश थे और अभी फिलहाल वहाँ क्या स्थिति? जी सीखा, आपको बताने जाता हूँ। यह पूरी घटना अब से करीब पौन घंटे पहले हुई है और ये लालसोट उपखंड के बिलोना कला गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक पर यह पूरी घटना हुई है। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि तीन नकाबपोश लुटेरे जिनके पास हथियार थे वो बैंक में प्रवेश करे हैं, उन्होंने बैंक में फायर किए हैं और उसके बाद बैंक कर्मियों पर हथियार तान कर करीब 8 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। सुरेश, आपने कहा करीब 8 लाख की लूट हुई है। सुरेश, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया ये मामला क्या सामने आ पा रहा है, क्योंकि आपने कहा सिर्फ अभी 45 मिनट के आसपास पहले ही ये पूरी घटना हुई है, ऐसे में पुलिस क्या मान रही है, कौन कौन से लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी फिलहाल सामने आई क्या? पुलिस ने मौके पर पहुंच चुकी है, लालसोट और मंडावली पुलिस तुरंत तो मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं, सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे नजर आए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आसपास के थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कराने में जुटी हुई है और लगातार लुटेरों की तलाश तेज कर दी गई है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का ये पूरा मामला है, इसकी शाखा का, इस शाखा में कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त मौजूद थे, क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है क्या वहाँ? जी, पुलिस अधिकारी बैंक के कार्मिकों से भी इस पूरी घटना के मामले में जानकारी जुटा रहे हैं। सुरेश, ये भी जानकारी चाहेंगे, दौसा का जो लालसोट जहां ये पूरी घटना हुई है वो इलाका किस तरह से है, क्या वहां पहले भी इस तरह की वारदात सामने आई है जब बदमाश इस तरह से बेखौफ नजर आए हों? नहीं, अमूमन लालसोट इलाके में इस तरह के बड़े क्राइम नहीं होते हैं और ये बैंक लूट का ये अपने आप में काफी इस इलाके में इतनी बड़ी घटना पहले कभी नहीं हुई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अपराधियों का ऐसा कोई वहाँ हो, लेकिन संभवतः आसपास के इलाके में सक्रिय, आसपास के जेलों में सक्रिय किसी अपराधी के लोग की ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये जो तीन हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे सुरेश, ये किस वाहन से आए थे, क्या पहले इन्होंने रैकी की थी बैंक के आसपास और जब ये पूरी घटना हुई तो क्या वहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात थे, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बैंक की शाखा के बाहर तैनात होते हैं गार्ड? जानकारी के अनुसार ये तीनों जो लुटेरे थे और बाइक पे आए थे और इनके मुंह ढके हुए थे और ये बाइक से ही फिर घटना को अंजाम देके भागे हैं। चलिए सुरेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इसी खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।